नमस्कार दोस्तों, ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम का चैप्टर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम इसका बिफोर योर रीड पढ़ लेते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाटा हर ग्रैंड फादर। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली रवि एंड मीना। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द सिगरेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना मृदु के साथ पिछले आंगन में किस रहस्य को बांटती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है, मीना शेयर्स द सिगरेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव कैप्ट इन देयर बैकयार्ड। तो फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। बिल्ली के बच्चे के लिए रवि दूध किस प्रकार प्राप्त करता है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर है, रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज वेरी हंग्री। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू शो दैट ही वॉज इन नीड हंग्री। ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड एंड देन एम्प्टीज इट इन द कोकोनट शेल। थर्ड क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स, हु डज ही से द किटन एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। वह किसको बिल्ली के बच्चे के पूर्वज बताता है, क्या आप उसकी बात में विश्वास करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, रवि सेज दैट द किटन्स एंसेस्टर्स वर द लायंस ऑफ द पलव किंग्स। द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पलव डायनेस्टी। ही सेज द महाबलीपुरम ऋषि कैट वॉज द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस ऑफ इजिप्ट। नो, वी डू नॉट बिलीव हिज स्टोरी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। दिस शोज दैट। रवि के पास एमपी पुनई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि हमारी पहली स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ही इज़ मेरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। वह केवल मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, ही इज़ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। उसका इतिहास का ज्ञान बहुत अधिक है। थर्ड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। उसकी कल्पना शक्ति उच्च है। या फोर्थ, ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। वह एक बुद्धिमान बालक है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री या डिसएग्री टू? तो फ्रेंड्स, हम जिस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं वो है सेकंड स्टेटमेंट, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। उसका इतिहास का ज्ञान बहुत अधिक है। और थर्ड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। उसकी कल्पना शक्ति उच्च है। और फोर्थ, ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। वह एक बुद्धिमान बालक है। तो फ्रेंड्स, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जिनसे हम एग्री करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वट वॉज अ नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन। कौन से शोर ने मृदु को चौंकाया एव महेंद्रन को भयभीत कर दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, इट वॉज अ साउंड ऑफ कमिंग आउट ऑफ लालीज वायलिन दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। संगीत मास्टर सुंदर संगीत बजा रहा है। पाठ में इस विचार को व्यक्त करने वाले वाक्य को जोर से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर है, द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हैड द बेगर कम टू रुक्मिणी'स हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या भिखारी रुक्मणी के घर पहली बार आया था? आपने इस प्रश्न के उत्तर के कारण दें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, नो, द बैगर हैड बिन कमिंग टू रुक्मिणी'स हाउस फॉर लास्ट 1 week। द बैगर हिमसेल्फ कन्फर्म्स दिस बाय सेइंग दैट ही हैज सर्वाइव्ड फॉर अ वीक ड्यू टू रुक्मिणी'स काइंडनेस। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फाउंड बिटवीन हर आईब्रोज। वट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मिणी'स मूड। एक गहरी वी आकार की सिलवट उसकी बाहों के बीच बन गई थी। इससे रुक्मिणी की मनोदशा के बारे में क्या पता लगता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट रुक्मिणी वॉज वेरी एंग्री।
शी वॉज अबाउट टू लूज हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स ये मेरा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो मैं फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है फ्रेंड्स वो है, रवि कंपेयर्स लाली प्लेइंग द वायलिन टू। इस सेंटेंस को कंप्लीट हम करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, रवि कंपेयर्स लाली इज प्लेइंग द वायलिन टू डिरेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। सेकेंड सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। इस सेंटेंस को जब आप कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। थर्ड सेंटेंस पे आइए फ्रेंड्स, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस बन जाएगा, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। फोर्थ सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड हैव बीन वेरी जनरस एंड हेल्प हिम सर्वाइव फॉर अ वीक। फिफ्थ सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। खिड़की से जैसे संगीत मास्टर को देखा गया उसका वर्णन करें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, द म्यूजिक टीचर वॉज अ बोनी फिगर, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली विद हिज बैक टवर्ड्स द विंडो। ही वॉज अ बाल्ड हेडेड मैन, देयर वॉज अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। He also had an old-fashioned tuft. He had a gleaming gold chain in his neck. He had a diamond ring in his hand. He was wearing a golden-bordered dhoti. His large foot was stuck on the floor. He was beating the floor with his crony toe. So, friends, my right answer was. Third question, देखते हैं. What makes me to conclude that the banker has no money to buy chappals? मेदो कैसे निष्कर्ष निकालती है कि भिखारी के पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, द बैगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन, दे वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट। दिस मेड मेदो कंक्लूड दैट ही डिडंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। सेकंड पार्ट देखिए फ्रेंड्स, व्हाट डज शी सजेस्ट टू हर कंसर्न। वह अपनी चिंता को दर्शाते हुए क्या सुझाव देती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, She suggests to give an old pair of chappals to the beggar to show her concern. तो ये हमारा आंसर था फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, Have you children? She began and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? What do you think Rukmani really wanted to ask? बच्चों क्या तुमने, उसने कहना शुरू किया और तब उन्हें उत्सुकतापूर्ण चुप देखकर उसने ज़्यादा धीरे से कहा, बरामदे में किसी को छुपा हुआ देखा है। फर्स्ट आपके विचार से रुक्मणी वास्तव में क्या पूछना चाहती थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, रुक्मणी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल्स ऑफ द म्यूजिक टीचर। सेकेंड पार्ट देखिए, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना प्रश्न क्यों बदला। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, शी चेंज्ड हर क्वेश्चन व्हेन शी फाउंड द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट, शी बिकेम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल्स। थर्ड पार्ट देखिए फ्रेंड्स, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसने क्या सोचा। तो फ्रेंड्स शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव बीन हिडन द चप्पल्स समवेयर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स, ऑन गेटिंग गोपू मामा'स चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। वाई गोपू मामा की चप्पलें प्राप्त करने पर संगीत मास्टर ने अत्यधिक खुश ना होने की कोशिश की क्यों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, म्यूजिक टीचर्स चप्पल्स वर ओल्ड बट ही टोल्ड अ लाई टू लाली, ही सेड दैट दे वर ब्रैंड न्यू। गोपू मामा हैज स्केर्सली यूज्ड हिज न्यू चप्पल्स, द म्यूजिक टीचर वांटेड देम बट ही वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग्स।
ही ट्राइड टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड हीज लॉस, देयर फॉर ही ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। तो फ्रेंड्स इनका राइट आंसर था। सिक्स क्वेश्चन देखिए, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव। चप्पलों का उपहार प्राप्त कर लेने के बाद भिखारी एक मिनट में ही अदृश्य हो गया, वह इतनी जल्दी में क्यों था? तो फ्रेंड इसका आंसर है, ही वॉज इन सच अ हरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स बिकॉज ही वॉज कॉन्शियस दैट द चिल्ड्रन हैव गॉट देम फॉर हिम विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ देयर एल्डर्स। ही वॉज अफ्रेड दैट दे माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम। तो फ्रेंड्स राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुको मनी बिगेन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। रसोई घर और मृदु मीना के साथ चलते हुए रुकुमणि ने हंसना शुरू कर दिया, उसे हंसी क्यों आई? तो फ्रेंड इसका आंसर है, रुकुमणि वॉज लाफिंग इमेजिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट हिज शूज इमिडिएटली आफ्टर कमिंग होम एंड पुटिंग ऑन दोज चप्पल्स। शी वॉज इमेजिंग द सीन इन द इवनिंग व्हेन गोपू मामा वुड कम फ्रॉम हिज वर्क, ही वुड लुक फॉर हिज चप्पल्स एंड वुड कम टू नो अबाउट द गिफ्ट ऑफ हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक टीचर। तो फ्रेंड्स से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने क्लास सेवन्थ की इंग्लिश की बुक हनी कॉम का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के क्वेश्चन से डिस्कस किए। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।